वेलकम टू बिहाइंड द न्यूज़। आई एम हलीमा सादिया, आपकी होस्ट। और आज के इस शो में हम करेंगे कनाडा के अभी हाल ही में हुए हुए इलेक्शंस, उनके बारे में एक पॉलिटिकल एनालिसिस, एक स्पेशल रिपोर्ट जिसमें हम देखेंगे कि इस पूरे के पूरे इलेक्शंस के अंदर पार्टीज की परफॉर्मेंस, उनकी पॉलिसीज और उनका आउटकम क्या है। हमारे साथ इस सिलसिले में डायलॉग के लिए मौजूद हैं हमारे बहुत ही अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट ताहिर असलम गोरा साहब। आपको इस शो में वेलकम। थैंक यू ताहिर साहब। आप खुद कैंडिडेट रहे हैं पीपीसी पार्टी, जैसा कि एक बहुत ही नई पार्टी थी, और उसकी परफॉर्मेंस और उसके रिजल्ट्स के हवाले से व्हाट इज़ योर टेक? देखिए, परफॉर्मेंस तो हमारी अच्छी रही इन मानों में कि हमारा पैगाम पूरे कनाडा में गया। पार्टी नई थी, एक साल हुआ था बने, मगर जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। उसमें रिजल्ट सिर्फ मेरी अपनी राइडिंग में ही बुरे नहीं रहे, बल्कि अक्रॉस द बोर्ड रिजल्ट्स बुरे रहे। इसमें हमारे पार्टी लीडर मैक्सिम बर्नियर और सभी को डिसअपॉइंटमेंट हुई। मगर मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि आपने परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स दोनों की बात की, परफॉर्मेंस के हवाले से हमने बहुत सारी नई डिबेट्स छेड़ी जो बड़ी ही रेलेवेंट हैं, और वो डिबेट्स कहीं जाएंगे नहीं चाहे हमें वोट बहुत कम मिले हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर वो डिबेट्स कनाडा के पॉलिटिकल सिनेरियो पर हैंग करती रहेंगी, और जो रिजल्ट्स आए हैं कल रात को कनाडा के इलेक्शन से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी पार्टी की क्या के क्या रिजल्ट्स रहे, जो ऑफकोर्स बहुत लो रहे, लेकिन हमारा पैगाम अक्रॉस द बोर्ड क्या है। और ये एक ऐसा पैगाम नहीं जो सिर्फ पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा का है, ये बहुत सारे कैनेडियंस का है। बुनियादी तौर पर ये जो इलेक्शन था, ये चूँकि कंजर्वेटिव और लिबरल्स का था, तो इसलिए किसी भी पार्टी को उस तरह नहीं मिला रिजल्ट जिस तरह का रिजल्ट मिलना चाहिए था अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में। अदर देन पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा का मैं ऐसे ही जिक्र कर रहा हूँ, अदर देन कंजर्वेटिव और लिबरल्स के। अगर हम जनरल सीट्स डिवीजन देखें तो इस वक्त लिबरल पार्टी ने 157 सीट्स ली हैं, कंजर्वेटिव्स ने 121 सीट्स ली हैं, एनडीपी पार्टी जो है वो 24 सिक्योर कर सकी है, और जो ब्लॉक है क्यूबैक में उन्होंने 32 की हैं। ग्रीन पार्टी ने 3 सीट्स की हैं, जबकि पीपीसी बिल्कुल ही कुछ स्कोर नहीं कर सकी, जबकि कुल सीट्स थी 338। इस पे आपका क्या कमेंट्स हैं, आपकी क्या टेक है? देखिए, हम यहाँ पर स्क्रीन में एक ग्राफ देख सकते हैं। ये जो ग्राफ है जो आप स्क्रीन पे देख रही हैं हलीमा और सब व्यूअर्स भी, इसमें लिबरल्स ने 29 सीट्स लूज़ की हैं पिछले इलेक्शन 2015 के मुकाबले में। कंजर्वेटिव ने 23 सीट्स गेन की हैं, न्यू डेमोक्रेट्स ने 18 सीट्स लूज़ की हैं, ग्रीन ने एक गेन की है। तो ये जो अगर चार पांच बड़ी पार्टियों का अगर आप देखें, तो इसमें तो ये वाजे पता चलता है कि इनफैक्ट लिबरल और एनडीपी लूजर्स हैं इस इलेक्शन में कंपेयर टू लास्ट इलेक्शन, और कंजर्वेटिव और ब्लॉक विनर हैं क्योंकि उनकी सीट्स बड़ी हैं। मगर इसके बावजूद, इस मैथमेटिक्स के बावजूद, जो रियलिटी ये है, ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि लिबरल और एनडीपी सीटें कम जीतने के बावजूद विनर हैं, चूँकि वो गवर्नमेंट बना रहे हैं। गवर्नमेंट माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, और ये जो गवर्नमेंट है ये दोनों के कोलिशन से बन रही है। जैसा कि मैंने कहा कि इनफैक्ट जो लूज़र हैं पिछले इलेक्शन के मुकाबले में वो विनर हैं, और जो विनर हैं वो बहरहाल फिर भी लूज़र हैं। अब आप देखिए सूरत हाल, मैं व्यूअर्स को और हलीमा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ हमारे जो प्रोविंसेस हैं और टेरिटरीज़ में क्या है। आप यहाँ पर एक स्लाइड देखेंगे ऑनटेरियो के हवाले से। ऑनटेरियो में जो पिछले इलेक्शन में 2015 की जो सूरत हाल थी, उसमें 80 सीटें थी लिबरल के पास, अब 79 हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई बहुत फ़र्क यहाँ पर तो नहीं पड़ा। कंजर्वेटिव की जो पिछले इलेक्शन में सीटें थी, मैं यहाँ पे वही चेक कर रहा हूँ, ऑनटेरियो में पर्टिकुलरली, वो 36 थी और अब भी वो 36 पे हैं, कोई उनको ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। अलबत्ता एनडीपी की जो सीट्स थी पिछले इलेक्शन में वो भी 6 थी और ऑनटेरियो में वो भी 6 हैं। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑनटेरियो में एक सीट लूज़ कर रहे हैं, अगर हम 2015 के इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में देखें यहाँ पर जो लिबरल हैं, बाकी
सीटें ऑलमोस्ट वही हैं, तो एक सीट लूज करने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो ऑन्टेरियो का सीन तो वही रहा जो 2015 का था। अब हम चलते हैं क्यूबेक की तरफ। अगर हम क्यूबेक की स्लाइड देखें तो क्यूबेक में हमें जो सूरत हाल है वो डिफरेंट नज़र आएगी। क्यूबेक में 2015 में जो इलेक्शन रिजल्ट्स थे उनके मुताबिक लिबरल ने 40 सीट्स जीती थी और इसके अलावा कंजर्वेटिव्स ने 12 सीट जीती थी। अब के जो रिजल्ट्स आए हैं क्यूबेक में लिबरल ने 5 सीट गंवाई हैं, यानी वो 35 सीटें जीते हैं, और कंजर्वेटिव ने 2 सीट गंवाई हैं और वो वहाँ पर 10 सीटें जीते हैं। एनडीपी जो थी 2015 में क्यूबेक में वो काफ़ी आगे थी, 16 सीटें थीं, उन्होंने 15 गंवाई हैं और 1 सीट सिर्फ वहाँ से वो जीतने में कामयाब हुए हैं। चूँकि जो क्यूबेक का एक चार्टर ऑफ राइट्स का बिल था उसके मुताबिक एनडीपी के लीडर जगमीत सिंह की अप्रिसिएशन नहीं की गई। तो हम क्यूबेक में ये मैं वन बाई वन सूबों के हिसाब से चल रहा हूँ, पहले ओंटेरियो बताया जो मैं अब क्यूबेक बता रहा हूँ, दूसरा बड़ा सूबा है सीटों के अतबार से। तो क्यूबेक में ये रिज़ल्ट रहा कि एनडीपी ने लूज़ किया बुरी तरह, वहाँ पे सबसे बड़ा गेन किया अपने कॉन्टेक्स्ट में ब्लॉक क्यूबेक में। ब्लॉक क्यूबेकॉस ने वहाँ पर 10 से जंप लगा के 32 सीटों तक वो गए। लिबरल ने 5 लूज़ की, कंजर्वेटिव ने 2 लूज़ की। तो ये थी क्यूबेक की सूरत हाल। अब हम आते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट सूबा है वो मैं कहूँगा अपने डेमोग्राफिक के एतबार से, वो अल्बर्टा का है। अल्बर्टा की अगर हम देखें यहाँ पर स्क्रीन पे सूरत हाल, तो आपको वाजे होगा अल्बर्टा की सीटें कुल जो हैं वो यहाँ पर जो हम देख सकते हैं 33 हैं। पिछले इलेक्शन में लिबरल के पास 4 सीटें थी, एनडीपी के पास 1 थी और 29 थी कंजर्वेटिव की। ये ट्रेडिशनली कंजर्वेटिव का प्रोविंस है। इस बार कंजर्वेटिव ने उसको दोबारा पूरे का पूरा वापस लिया, सिवाय 1 सीट के। जो एनडीपी की सीट है वो वहाँ पे है अभी भी, जीत गए हैं, मगर लिबरल्स अपनी 4 की 4 सीट्स वहाँ पे लूज़ कर गए हैं। अब हम आते हैं ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ। आप ब्रिटिश कोलंबिया को देखेंगे जब इसके मैप को, तो ब्रिटिश कोलंबिया के 42 सीट्स हैं वहाँ पे, बड़ा इम्पॉर्टेंट सूबा है। और ब्रिटिश कोलंबिया की सूरत हाल ये है कि पिछले इलेक्शन में लिबरल्स की वहाँ पे 17 सीटें थीं, अब वो 11 हो गई हैं, 6 लूज़ की हैं। कंजर्वेटिव्स की वहाँ पे 10 थी, अब उन्होंने गेन करके जंप करके 17 पे आ गए हैं। और 2015 में एनडीपी की सीट्स वहाँ पे 14 थी, अब गालबन वहाँ से उनको 11 मिली हैं, वो भी लूज़ किया उन्होंने वहाँ से, एनडीपी ने भी। अलबत्ता वहाँ पर जो सिचुएशन है ग्रीन्स की, ग्रीन पार्टी ने 1 की बजाय 2 सीटें ली हैं, उन्होंने भी वहाँ पे 50% इंक्रीज़ अपना किया है मैंडेट। तो ये तो ब्रिटिश कोलंबिया की सूरत हाल है। इसके बाद अगर हम जाएं ईस्टर्न प्रोविंसेस की तरफ, तो ईस्टर्न प्रोविंसेस में सबसे पहले मैं PEI प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की तरफ आता हूँ। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की जो सूरत हाल है उसमें सिर्फ 4 सीटें हैं और 4 की 4 सीटें इस बार लिबरल ने जीती हैं। प्रिंस आइलैंड के बाद, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के बाद मैं आता हूँ नोवास्कोशिया की तरफ। नोवास्कोशिया में कुल 10 सीटें हैं और 10 में से एक्चुअली 11 हैं, 11 में से 10 लिबरल ने जीती हैं, 1 कंजर्वेटिव जीते हैं। नोवास्कोशिया के बाद हम ईस्टर्न प्रोविंसेस की बात करते हुए न्यूफाउंडलैंड और एंड लैब्राडोर की तरफ जाएंगे। उनकी सिचुएशन ये है कि वहाँ पे कुल 7 सीटें हैं, 7 में 6 लिबरल ने जीती हैं, 1 कंजर्वेटिव ने जीती हैं। फिर हम चौथे ईस्टर्न प्रोविंस की तरफ जाते हैं, न्यू ब्रांसविक की तरफ। उनकी टोटल 10 सीटें हैं जिसमें से ग्रीन 1 जीती है, ग्रीन ने वहाँ से 1 गेन किया, यानी ग्रीन की अब नेशनल असम्बली में कैनेडा की 3 सीटें हो गई हैं। और लिबरल्स वहाँ पर 6 सीटें ले सके हैं और कंजर्वेटिव 3 सीटें ले सके हैं।
ये कोई सूरत हाल है 32 जो ईस्टर्न प्रोवेंसेस चार हैं उनकी सीटों की। गालबन पिछले इलेक्शन में लैंडस्लाइड विक्ट्री थी लिबरल की वहाँ पे, मगर इस बार लिबरल वहाँ पे जो है वो पूरी की पूरी विक्ट्री नहीं ले सके। कंजर्वेटिव वहाँ से 5 सीटें लेने में कामयाब हुए और 1 सीट ग्रीन ने ली, तो कंजर्वेटिव ने भी 5 ली, ग्रीन ने 1 ली, यूँ लिबरल ने 6 वहाँ पे लूज की हैं। अब हम आते हैं अपने वेस्टर्न प्रोविंसेस की तरफ जिसमें मैनिटोबा और सस्कैचवान है। अल्बर्टा की मैंने पहले बात कर दी, ब्रिटिश कोलंबिया की पहले बात कर दी, मैनिटोबा और सस्कैचवान की सूरत हाल को देखते हैं। मैनिटोबा और सस्कैचवान दोनों की जो है ना 14-14 दोनों की सीट्स हैं। मैनिटोबा की पहले आप देखिए, मैनिटोबा में जो सिचुएशन है वो लिबरल्स ने 4 सीटें ली हैं और कंजर्वेटिव ने 7 सीटें ली हैं, और सस्कैचवान में जो सूरत हाल है वो ग्रीन पार्टी ने भी 1 ली है वहाँ पे। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो यहाँ गलती से लिखा गया कागज़ पे हमसे, मगर जो ग्राफ में है वो नहीं है। तो यहाँ पे सस्कैचवान ने 14 में से 14 सीट जो हैं सस्कैचवान की वो कंजर्वेटिव ने जीती हैं। पिछली बार 2015 के इलेक्शन में अगर हम देखें तो कुल 28 सीटों में से कुल 15 के करीब कंजर्वेटिव के पास थी, मैनिटोबा और सस्कैचवान दोनों को मिला के 8 के करीब लिबरल के पास थी और 3 के करीब एनडीपी के पास थी। तो इस बार एनडीपी ने भी वहाँ पे लूज़ किया तीनों की तीनों, और नहीं एनडीपी मैनिटोबा में तो ले सकी हैं लेकिन वो शायद कायम अपने कायम दायम है मैनिटोबा में, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन लिबरल ने वहाँ पर अपनी सीटें लूज़ की हैं। तो ये तो है वेस्टर्न प्रोविंसेस मैनिटोबा सस्कैचवान की बात। आखिर में हम बात करते हैं टेरिटरीज़ की, जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है यूकॉन और नॉर्दर्न टेरिटरीज़, उसमें 3 सीट्स थी जो 2015 में तीनों सीट्स लिबरल ने जीती थी और इस बार 1 एनडीपी ले गए हैं और 2 लिबरल ने जीती हैं। तो ये है सूरत हाल जिसकी वजह से लिबरल पार्टी इस वक्त 157 सीट्स लेकर टॉप पे हैं और कंजर्वेटिव्स 121, एनडीपी 24, ब्लॉक 32, ग्रीन 3। तो गवर्नमेंट बनाने के लिए 170 सीट चाहिए जैसा कि सबको पता है, और 157 लिबरल्स के पास जो सीटें हैं वो अगर एनडीपी उनके साथ मिलती है जैसा कि एनडीपी ने कोलिशन गवर्नमेंट की बात की थी तो ये गालबन 181 सीट्स बनती हैं। पिछली बार लिबरल्स के पास 184 सीट्स थी अकेले लिबरल्स के पास, अब दोनों पार्टियों को मिला के 181 बनती हैं। तो इसका मतलब ये है कि लिबरल्स और एनडीपी ने लूज़ किया है इस इलेक्शन में कंपेयर टू 2015 इलेक्शन, मगर विनर हैं गवर्नमेंट बनाने के टर्म्स में। कंजर्वेटिव्स और ब्लॉक ने बहुत गेन किया मगर गवर्नमेंट ना बनाने के सिलसिला में वो लूज़र हैं। अब आते हैं वापस इलेक्शंस की तरफ, इलेक्शंस के रिजल्ट्स की तरफ। तो सबसे ज़्यादा जो मुख्तलिफ और बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि अमेजिंग सूरत हाल है वो क्यूबैक की है इस वक्त। तो इससे पहले कि हम ओंटारियो पे बात करें, पहले हम क्यूबैक पे बात कर लेते हैं। तो क्यूबैक के बारे में आप क्या राय देंगे? नहीं, क्यूबैक बड़ा इम्पॉर्टेंट सूबा है। उसकी वजह यह है कि क्यूबैक ट्रेडिशनली वेस्ट जो वेस्टर्न कैनेडा है उनके साथ जो एक क्लैश सा रहा है, इकोनॉमिक क्लैश, टेरिटोरियल क्लैश, एक दफ़ा रेफरेंडम भी हो गया, यही ब्लॉक के बिकॉज़ ने रेफरेंडम बहुत सालों पहले करवाया था जिसमें ये 1% वोट से हारे थे। एक तो ये हुआ कि ये फिर वहाँ से सर्ज किए, 10 सीटों से इनकी 32 सीट्स हुई। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यूबैक में ये हुआ कि एनडीपी बुरी तरह वहाँ से लूज़ हुई, चूँकि वहाँ का जो बिल था सेकुलर बिल जिसको कैनेडा के दूसरे जगहों में क्रिटिसाइज़ की कर रहे हैं, और उस सेकुलर बिल के बारे में जस्टिन ट्रूडो और जगमीत सिंह ने बहुत मुनाफकाना, बहुत हिपोक्रेटिक रवैया अपनाया। इन्होंने जो फर्स्ट डिबेट इंग्लिश डिबेट हुई थी कनाडा के इलेक्शन से पहले, इसमें दोनों ने उनकी मजम्मत की थी, लेकिन जैसे ये फ्रेंच डिबेट में आए तो इन्होंने मजम्मत नहीं की और कहा कि ये तो जी क्यूबैक का मसला है। तो इससे इन दोनों लीडरों की हिपोक्रेसी बिल्कुल ज़ाहरा ज़रीन कैनेडियन पर वाज़े हुई, मगर इसके बावजूद गवर्नमेंट तो ये बना रही है मगर क्यूबैक ने अपना मैसेज दे दिया कि उन्होंने कंजर्वेटिव को वहाँ से भी कम सीटें दी, वो एक अलग मामला है, लेकिन लिबरल को भी कुछ कम सीटें दी और
एनडीपी को तो ऑलमोस्ट मकम्मल तौर पर वहाँ पे फिनिश कर दिया। क्यूबेक में एक ज़माना था जैक लिटन के ज़माने में 50 प्लस सीट्स थी एनडीपी के पास, फिर ये टॉम मुल्केर के ज़माने में 16 सीट्स थी लास्ट 2015 के इलेक्शन रिजल्ट्स में, अब हार्डली क्या बस एक ही सीट रह गई है। तो वो जो क्यूबेक का सेकुलर बिल है उन्होंने जगमीत सिंह का वो जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कार्ड है उसको रिजेक्ट किया मकम्मल तौर पर, और ये भी एक क्यूबेक में अहम बात हुई। दूसरा, क्यूबेक से बनने वाली अहम पार्टी जिससे मेरा भी ताल्लुक है वो पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा है, जो कंजर्वेटिव पार्टी की एक तरह से ऑफशूट थी। हमने कंजर्वेटिव पार्टी से डिसएग्रीमेंट किया, बहुत सारी चीज़ों पे पार्टी बनाई, तो हमारी इस पार्टी की वहाँ पे जो ग्राउंड्स हैं वो तो अच्छी बनी थी मगर वोट नहीं मिला। तो ये भी एक चेंज है कि अब मैक्सिम बर्नियर हमारी पार्टी के जो सरबराह थे और उनके वालिद उससे पहले उसी राइडिंग ब्यूस की राइडिंग में कितनी कितनी बार मेंबर पार्लियामेंट इलेक्ट हुए थे मगर इस बार मैक्सिम बर्नियर हार गए। ये भी अगरचे वो एक सीट हारे हैं मैक्सिम बर्नियर अपनी ही जाहिर हाजिर हारे हैं, उससे पीपल्स पार्टी को बहुत धचका लगा। हमारी पार्टी को अगर एक सीट मिल जाती तो हमें काफ़ी मॉरली एक तरह से सपोर्ट मिलती, पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ जाती, लेकिन बहरहाल नहीं मिली। लेकिन उससे ये मतलब है कि क्यूबेक ने उस को भी कबूल नहीं किया उस तरह जिस तरह करना चाहिए था। मैक्सिम बर्नियर को कोई आलमोस्ट 16,500 के करीब वोट मिले, जो कंजर्वेटिव वहाँ से जीते उनको कोई 23,000 से ज़्यादा वोट मिले। कंजर्वेटिव ने चूँकि पीपल्स पार्टी से वो बिल्कुल खुश नहीं थे, उनको पनिश करने के लिए पूरा जैसे कहते हैं जोर लगाया मैक्सिम बर्नियर को हराने में, इसमें वो कामयाब हो गए। तो मेरा ख्याल है क्यूबेक में ये जो रिजल्ट्स रहे इस हवाले से, एनडीपी के हवाले से मैंने बात की, लिबरल की सीटें कम हुई, कंजर्वेटिव की दो सीटें कम हुई, पीपल्स पार्टी को कुछ सीट ना मिल सकी, तो क्यूबेक के जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं और जिसमें सबसे अहम ब्लॉक को बहुत ज़्यादा सीटें मिली इस बार, वो वाकई ही इस पार्लियामेंट में अपना रंग छोड़ेंगे चूँकि ब्लॉक वहाँ पर तीसरी बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है पार्लियामेंट में। कंजर्वेटिव्स ने जितना मैक्सिम को हराने के लिए कोशिश की, अगर वो अपने लीडर को जितवाने की तरफ इतनी कोशिश करते तो शायद इस वक्त कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बड़ी आपने अहम बात की, बिल्कुल उनके, ये तो मैं मानता हूँ कि कंजर्वेटिव ने सीटें गेन की हैं, 21-22 सीटें गेन की हैं, 99 थी उनके 2015 इलेक्शन में, वो पार्टी ने गेन की हैं। लीडर को जताने के लिए अगर वो जीटीए पर जोर देते, यहाँ पर अच्छे कैंडिडेट खड़े करते, यहाँ पर अच्छी कैंपेन करते, यहाँ पर वो जो हर एक को खुश करने वाला रवैया इन्होंने लिबरल वाला अपनाया, एनडीपी वाला अपनाया, वो कंजर्वेटिव के बिल्कुल काम नहीं आ सका। जिनको खुश करने के लिए उनके पीछे गए उन्होंने भी इनको वोट नहीं दिया, और जो इनसे नाराज़ हुए वो भी इनसे नाराज़ हो गए। तो मेरा ख्याल है कि इनको इस वजह से जीटीए में बहुत नुकसान हुआ, 55 जीटीए की सीट्स में से इनको शायद हार्डली कोई एक आध सीट मिली है कंजर्वेटिव को। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये कोशिश करते बजाय कि सिर्फ एक शख्स मैक्सिम बर्नियर को हराने के लिए अपनी पूरी ये कोशिशें जो उन्होंने की, अगर इसके बजाय यहाँ पर कोई अपनी इनकी जो टीम है इन टर्म्स ऑफ सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स, इन टर्म्स ऑफ वर्किंग ऑन द ग्राउंड वो काम करती तो बहुत बेहतर होता। जीटीए में कंजर्वेटिव्स बहुत बुरी तरह फेल हुए हैं, बहुत सारी राइडिंग में तो ये तीसरे चौथे नंबर पर आए हैं, और फिर बहुत सारी राइडिंग में जहाँ ये हारे हैं वहाँ पे मार्जिन भी लिबरल का बहुत ज़्यादा इनसे था। तो मेरा ख्याल है कि जीटीए के लिए इनके लिए तो बहुत टफ मैसेज है कंजर्वेटिव के लिए। ओंटारियो और कंजर्वेटिव्स का फ्यूचर, क्योंकि क्यूबेक के बाद ओंटारियो सबसे अहम सूबा है जिसके रिजल्ट्स मैटर करते हैं, योर कमेंट्स। देखिए, बहुत अहम बात आपने की। बज़ाहिर तो इन्होंने ओंटारियो में जो सीटें ली हैं कंजर्वेटिव ने ऑलमोस्ट उतनी ही है जितनी इनकी पहले थी, मगर जाहिर है इनको इलेक्शन अगर जीतना था तो इनको बहुत ज़्यादा सीटें लेना थी, जैसा कि हार्पर गवर्नमेंट के ज़माने में हुआ था। हमारा पूरा ब्रैम्पटन, मिसागा ब्लू कलर में रंगा गया था, अब वो रेड था 2015 में और रेड ही रहा, और जहाँ जहाँ कहीं कहीं इनके पास ब्लू था जैसे मिल्टन में था या कुछ और जीटीए की राइटिंग्स में था वो भी गया इनके हाथ से। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और मैं ये सोचता हूँ कि क्या इस सारी सूरत हाल में जिस तरह हम देखते हैं साल हा साल से कंजर्वेटिव का स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका है अल्बर्टा, तो क्या हम अब कह सकते हैं कि जीटीए लिबरल का स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका है और कंजर्वेटिव इसमें वापस नहीं आ सकेंगे? चूँकि इस बार जो डिवाइड वो डिवीज़न है बिटवीन कंजर्वेटिव एंड लिबरल वो बहुत ज़्यादा है, और वो किस तरह वापस आएगा? क्या कंजर्वेटिव अगले इलेक्शन में
कोई अपना लीडर नया लाएंगे या नई पूरी की पूरी टीम लाएंगे पार्टी की, और यहाँ पे जो उनकी टीम है जिस पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, जो यहाँ पे काम करते थे ग्राउंड्स में, क्या वो बदलेंगे? तो ये अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि कंजर्वेटिव यहाँ पे कोई आइंदा चंद इलेक्शन में भी, मिसालों की बात नहीं कर रहा, कुछ गेन कर पाएंगे। ऐसी सूरत हाल में तो फिर ये लिबरल का ही स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा। और फिर डग फोर्ड साहब जिस तरह क्लीन स्वीप की सूरत में आए थे, इन्होंने ऑन्टेरियो की गवर्नमेंट बनाई थी, उसके बाद डग फोर्ड साहब ने बहुत सारे ऐसे डिसीजन किए, बहुत जल्दी में डिसीजन किए। मैंने ज़ाती तौर पर उनको सपोर्ट भी किया था, डग फोर्ड साहब को, मगर हम ये तो नहीं करते थे कि वो इतने रेडिकल और कुछ मुझे कहने दीजिए अनवाइज डिसीजन उन्होंने किए हैं, और जिसकी वजह से भी कंजर्वेटिव को बहुत नुकसान हुआ है ऑन्टेरियो में। चलिए, ये तो हमारी डिटेल बात हो गई इलेक्शंस के हवाले से। अब हम बात करते हैं जनरली कनाडा का पॉलिटिकल सिनेरियो और उसका फ्यूचर, इसके बारे में कमेंट्स कीजिए। देखिए, कनाडा का पॉलिटिकल सिनेरियो तो मैंने अभी खैर बता दिया, फ्यूचर जो है वो है बड़ा अहम। फ्यूचर बज़ाहिर बड़ा अच्छा लगता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लिबरल की माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, फिर एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट इस बार नहीं बनी, जिसका मतलब ये है कि लिबरल को ज़रा थोड़ा सा फूंक फूंक के चलना होगा। वो लेफ्ट का एजेंडा बहुत ज़्यादा लेकर अब उनको चलना होगा, चूँकि NDP उनके साथ मिल गई है। और ये इलेक्शन क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू था, 2015 के इलेक्शन में नेशनल सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू था, इस बार क्लाइमेट का बहुत बड़ा। मैं ज़ाती तौर पर नहीं समझता कि क्लाइमेट इतना बड़ा इशू कनाडा बना दे कि उसके इर्द गिर्द ही इलेक्शन हो। बहुत सारे और बड़े इश्यूज़ हैं, कनाडा की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी वीक रहीं 2015 से अब तक लिबरल गवर्नमेंट में, उसकी कोई बात नहीं हुई इलेक्शन में, एजेंडे पे बात नहीं आई। सिक्योरिटी कोई बिल्कुल मसला कनाडा का हल नहीं हुआ, वो भी है, उस पर कोई बात नहीं आई। अमरीका के साथ जो हमारे तजारती तल्लुकात हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा, उस फ्यूचर पर कोई डिबेट नहीं हुई इस इलेक्शन के दौरान। जो कैनेडियन वैल्यूज़ जो सबसे बड़ा मसला है, कनाडा में फ्री स्पीच की जो एक तरह से पाबंदियां धीरे धीरे लग रही हैं, वो एक बहुत बड़ा मसला है। इस पर पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के अलावा किसी ने बात नहीं की, हमारी पीपल्स पार्टी को किसी की बात को कैनेडियंस ने बहुत तवज्जो से नहीं सुना, चूँकि शायद कैनेडियंस इस बार फोकस थे प्रो ट्रूडो और एंटी ट्रूडो, ये उनका लगता था पूरे का पूरा इलेक्शन का एजेंडा है। एजेंडा मैंने भी कहा कि क्लाइमेक्स ये जो क्लाइमेट का था, तो क्लाइमेट से ज़्यादा मुझे ये लगता है कि प्रो और एंटी ट्रूडो था। फ्यूचर, मैं फिर दोबारा आऊँगा, फ्यूचर जो है कैनेडियन पॉलिटिक्स का वो ब्राइट है, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। कैनेडियंस, हम सब कैनेडियंस हैं, हम सब समझते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए। और जाहिर है ह्यूमन सोसाइटीज़ में प्रायोरिटीज़ टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, तो ये कोई बहुत हतमी बात नहीं है कि अगर लिबरल सीटें इस बार कम लेकर गए हैं तो इससे अगले इलेक्शन में इससे कम भी लेके जा सकते हैं, ज़्यादा भी लेके जा सकते हैं। डिपेंड करता है कनाडा की पॉलिटिकल सिनेरियो के फ्यूचर में कि आगे जो राइट की पार्टियां हैं वो कैसे बिहेव करती हैं, कंजर्वेटिव हो या पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा हो, क्या ये मिलके काम कर सकते हैं, या फिर ये जो लेफ्ट की पार्टियां हैं ये आपस में कितना का आगे चल सकेंगी मिलके, ये भी देखने वाली बात है। मगर इस सारे तनाव के बावजूद फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स इन कनाडा इज़ ग्रेट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। इससे पहले कि हम अपना प्रोग्राम, क्योंकि वक्त हर प्रोग्राम का कुछ ना कुछ वक्त होता है और अब हम इख्तिताम की तरफ हैं, आप अपने कोई फाइनल कमेंट्स अगर देना चाहें तो प्लीज़ अपने फाइनल कमेंट्स दीजिए। मेरे फाइनल जो कमेंट्स हैं वो यही है कि हमें खुल के कनाडा में डिबेट्स करनी चाहिए, इलेक्शन रिजल्ट से नहीं घबराना चाहिए आवाम को। चाहे, चूँकि हमारा ये शो उर्दू और हिंदी ज़ुबान में जा रहा है तो इसके हमारे ऑडियंस ज़्यादातर साउथ एशियन बैकग्राउंड के हैं, तो साउथ एशियन बैकग्राउंड के जो कैनेडियंस हैं वो अपने अपने इजहार के लिए अपना काम करते रहें, जैसा कि अभी तक कर रहे हैं। इस इलेक्शन में भी जिस तरह की सोच थी उसने उसी तरह उसको आगे बढ़ाया, ज़रूर बढ़ाएं। चाहे मैं आपसे एग्री करता हूं, आप मेरे से एग्री ना करते हो, इट डजंट मैटर, हमें अपना अपना काम करते रहना चाहिए, क्योंकि यही खूबसूरत डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो कनाडा का हुसन है, और जिसके लिए हम अपने साउथ एशियन बैकग्राउंड के कंट्रीज़ को छोड़कर यहां आए हैं। तो हमें
अपने उसी रवैये को आगे लेकर चलना चाहिए, और यानी जो रवैया कैनेडियन वैल्यूज़ के साथ है। आपका आज के इस प्रोग्राम में शिरकत का और पॉलिटिकल एनालिसिस देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शंस तो ख़त्म हो गए हैं, इलेक्शंस ख़त्म होते हैं, उनके रिजल्ट आते हैं, और उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस ना ख़त्म होने वाला एक प्रोसेस है, और उसके लिए हम गाहे बगाहे आते रहेंगे, आपको अपनी ओपिनियंस और एनालिसिस और उसके साथ साथ रिपोर्टिंग करते रहेंगे। इन अल्फाज के साथ आज का बिहाइंड द न्यूज़ मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया।